अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फरीद, मुतवल्ली ग्रेवयार्ड बरहाउस गोशा महल बिल्कुल खाना बेगम बाजार। मेरे वालिद मोहतरम सादिका मुतवल्ली ग्रेवयार्ड बरहाउस गोशा महल फिलखाना खदीम की। मेरी ये गुजारिश है कि कब्रिस्तान के रास्ते जो है तंग होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जगह नाकाफी होने की वजह से, क्योंकि कब्रिस्तान की जो सदर्न साइड इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसमें टी स्टॉल और बैंड का एक शॉप है और थोड़े टायर के दुकान है, वहाँ पे जो है गेट का काम किया जा रहा था, क्योंकि रास्तों की तंगी की वजह से एक नया रास्ता यानी नई गेट लगाई जा रही ताकि जायरीन को सहूलत हो। कुछ लोगों ने वो गेट का काम करने से रोका है और कब्रिस्तान की जो खुली जगह है उसके अंदर पार्किंग बना दिए हैं। जगह नाकाफी होने की वजह से परेशानी हो रही है। मेरी यह गुजारिश है चेयरमैन अजमतुल्ला खान साहब से और तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब से, एरिया पीएस बेगम बाजार और कमिश्नर ऑफ पुलिस जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस से, कि यहाँ पे जो इलीगल बंक्स वगैरह लोग यहाँ पे लगा दिए हैं और जो पार्किंग कर रहे हैं फुटपाथ पे, लीगल एक्शन लेकर और कब्रिस्तान की तहफ्फुज़ के लिए जो कब्रिस्तान के अंदर जो है दरवाजे खोलने हैं उसकी बाउंड्री वाल के काम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, और जो गेट वहाँ पे खुली है लोगों की सहूलत के लिए उसके ऊपर गौर करें, वो रास्ते को कायम रखें, और जो रास्ते से ऑटो वगैरह पार्किंग हो रहे हैं वहाँ के तहफ्फुज़ के लिए एक स्टेप बनाने की मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, ताकि वो परमिशन दे। इंशाल्लाह मैं रिटर्न में भी कोशिश करूँगा और सारे तफसीलात बयान करूँगा, जल्द से जल्द इस पर लीगल एक्शन लिया जाए। और तहफ्फुज़ कब्रिस्तान के लिए मेरी गुजारिश है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और जितने भी जायरीन हैं इस बात पर गौर करें और कब्रिस्तान की बेहरमति से इसको महफूज रखने की कोशिश करें। जो लोग यहाँ पर हैं जानबूझ कर या अनजाने में जो है जालियों पर जो कपड़े डालते हैं उससे भी परहेज करें। मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो कब्जे हो रहे हैं और जो ऑटो वगैरह रखे कब्रिस्तान की जगह को ख़राब कर रहे हैं, उस पर हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड एक्शन ले जल्द से जल्द।